चलिए, बनाकर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। एक नया टॉपिक मैं चालू कर रहा हूँ, भारत के जो संविधान के भाग के बारे में बताऊंगा इसमें का मैं, है ना। जो पार्ट वन वीडियो है इसमें आगे अब मैं संविधान के जो भाग है, जो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूची तो बता चुका हूँ मैं, तो अब भाग को ही मैं चालू करूँगा। इमेंस का पूरा ये कंप्लीट होगा इसमें का। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो एक से लेकर आपका चार इसमें अनुच्छेद दिया गया है ना। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, उसके अंतर्गत एक से लेकर चार तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। अब इसमें बताऊंगा कौन किसके किसके कौन से अनुच्छेद में क्या क्या इसमें दिया गया है, तो चलिए बताते चलता हूँ। तो इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, इसके बारे में चर्चा की गई है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, एक से लेकर चार तक इसमें अनुच्छेद शामिल है। तो एक में इसका शामिल है, देखिए इसमें एक में क्या दिया गया, इसमें ये अनुच्छेद एक में दिया गया है। तो एक में दिया गया है आपका जो संघ, जो इसको जो क्षेत्र होंगे, भारतीय क्षेत्र होंगे, संघ क्षेत्र जितने भी शामिल होंगे संघ क्षेत्र, इसमें जो नाम वाम है इसमें दिया गया है संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का एक संघ, इंडिया या भारत को भी शामिल किया। इंडिया शब्द को इसमें परिभाषित किया है, इंडिया मतलब परिभाषित इंडिया लिखा गया, और भारत राज्यों का समूह के रूप में ऐसे लिखा है, सम्मिलित किया गया। संघ संघ क्षेत्र इसमें देखिए, संघ क्षेत्र इसमें राज्यों का संघ, इंडिया या भारत, इंडिया या भारत, तो संघ क्षेत्र में क्या है इसमें, तो संघ क्षेत्र क्या है, राज्यों का संघ क्या है इसमें, राज्यों का संघ क्या है इसमें, राज्यों का क्या है इसमें, संघ तो अनुच्छेद एक ये तो शामिल है ही, है ना। इसमें बेसिकली ये लिखा गया है, इसमें जो राज्य क्षेत्र है, जो तीन भारतीय क्षेत्र को अनुच्छेद एक के तहत तीन भाग में इसमें बांटा गया है। एक तो राज्यों का क्षेत्र इसमें संघ क्षेत्र, एक अन्य क्षेत्र जो इंडिया भारत के जो भी जो अपने नया राज्य को जैसे शामिल करता है, अगर भारत सरकार क्या करता है कोई नया क्षेत्र, नया क्षेत्र अधिग्रहित करता है, अधिग्रहण करता है, नया क्षेत्र अधिग्रहण करता है ना, तो इसमें शामिल होंगे। तो इसमें देखिए इसको दिया गया तीन भाग में बांटिए, ये पहले में दिया है, ये दूसरे में दिया है, नंबर याद रखिए, ये तीसरे में दिया है, मतलब अनुच्छेद एक को ही तीन भाग में बांटा गया है। एक तो राज्यों का संघ, जो राज्यों का क्षेत्र, इसको क्षेत्र लिखिए, एक संघ क्षेत्र हो गया, संघ का जो क्षेत्र, एक इंडिया भारत का जो नया नया अधिकृत क्षेत्र, तीसरे नंबर में मैं इसको पहले लिख दिया हूँ, लेकिन एक दो तीन ऐसे आएगा, इसको तीन भाग में बांटा गया। अब इसमें जो भी नाम होंगे, जो भी जगह का नाम होगा, संघ राज्य क्षेत्र कितना क्षेत्रफल है, कि मणिपुर है, त्रिपुरा, तेलंगाना, जितने राज्य हैं, कितना है उनका, क्या क्या प्रशासन क्षेत्र है, नया क्षेत्र है, सभी इसमें शामिल है भाग एक के तहत, ठीक है। उनका नाम इसमें सब इसमें शामिल है, संघ क्षेत्र में कौन कौन, संघ क्षेत्र के अंदर कितने राज्य हैं, राज्य के क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, और या फिर कुछ भी उनका क्षेत्रफल कितना है, सब इसमें आएंगे। अब इंडिया भारत में अगर नया क्षेत्र अधिग्रहण करते तो तीन के तहत आएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक हो गया अनुच्छेद एक के अंतर्गत में, एक अनुच्छेद है दो के तहत। अनुच्छेद दो क्या कहता है, अनुच्छेद दो में क्या बोलता है, अनुच्छेद दो क्या कहता है, इसमें क्या किया गया, इसमें संसद को अधिकार दिया गया अनुच्छेद दो के तहत, जो नए राज्य को प्रवेश, इसमें क्या लिखा है, संसद को अधिकार दिया गया है, को अधिकार देता है, क्या देता है, अधिकार देता है जो नए राज्य को प्रवेश या गठन संबंधित इसमें सम्मिलित है, नए राज्य को प्रवेश दे सकता है या गठन कर सकता है या स्थापना कर सकता है, संसद को अधिकार है, देता है
उनको शक्ति देता है कि नया राज्य को कोई भी मतलब, अब इसमें प्रवेश मतलब कैसा, जैसे राज्य की ही जो कोई भी नया राज्य अगर शामिल है, सम्मिलित है पहले से, मतलब संघ का हिस्सा, मतलब भारत का अगर हिस्सा है कोई भी पहले से राज्य, तो उसको ले सकती है ना, उसको अस्तित्व में ले सकती है, या किसी बाहरी क्षेत्र से, जैसे कि जो राज्य क्षेत्र में अंतर्गत में है ही नहीं है, जैसे कि संघ में एक तो शामिल है और एक एक क्षेत्र ऐसा रहेगा कि शामिल नहीं है उसमें, हम लोग के भारत में, तो अब उसको नया क्षेत्र जो दूसरे जगह को हम लोग जब अधिग्रहण करेंगे, मतलब तो इसके अंतर्गत में आएगा, मतलब उसको प्रवेश देंगे हम लोग के देश में, तो ये दो तरह का उनको शक्ति प्राप्त है ना, तो अनुच्छेद 2 के तहत उन राज्यों को क्या किया, भारत संघ में मिला सकते हैं इसमें, तो उनको प्रवेश और गठन से संबंधित हम लोग इसमें ले सकते हैं, मतलब चर्चा में कर सकते हैं, मतलब शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 3 में आते हैं, प्रवेश से संबंधित इसमें रहे, अनुच्छेद 3 के तहत बोला गया है नए राज्यों को प्रवेश, नए सॉरी नए राज्यों का निर्माण, अब निर्माण या नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्या सीमा परिवर्तन, क्या क्या होंगे, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, या क्षेत्र में परिवर्तन, वही जो क्षेत्रफल में, ये सब इसमें शामिल होंगे। तो इसमें बेसिकली ये है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण क्या बोल रहे हैं इसमें, मैं देखिए इसमें तो अनुच्छेद 3 के तहत आपको अपने जैसे मतलब भारत के क्षेत्र के अंतर्गत में है कोई भी, तो नया राज्य का निर्माण कर सकता है, कौन करेगा, संसद ही करेगा, संसद को अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत, तो कोई राज्य क्षेत्र है या दो राज्य, जैसे दो राज्यों को के जमीन को ले लेंगे है ना, जैसे छत्तीसगढ़ और एमपी को ले लेंगे, वहाँ से कुछ हिस्सा को उसको अलग करके नया राज्य गठन कर सकते, तो इसमें क्या है, नया राज्य का निर्माण हुआ है ना, तो ऐसे मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब कोई भी जमीन को ले सकते हैं उसमें, या किसी किसी के राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकता है, कौन कर सकता है, अब इसके अंतर्गत में क के तहत मैं देख लेता हूँ, क में इसमें दिया गया है, क में इसमें दिया गया है जो सर जो किसी भी राज्य क्षेत्र में उसका जो राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब राज्य क्षेत्र को अलग करके, या किसी दूसरे दो या दो से अधिक राज्यों के भाग को अलग करके एक नया राज्य का निर्माण कर सकेगी, मतलब कौन कर सकेगी, संसद कर सकेगी क के तहत, ठीक है। अभी तो मिलाने वाला, मिलाकर वाला हो गया, मिलाकर गठन करेगी मतलब स्थापना करेगी मतलब निर्माण करेगी, उसी प्रकार खा में देखिए, खा में आप जैसे कि आप देखेंगे इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी है ना, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, या ग किसी राज्य क्षेत्र को, किसी राज्य सीमा को, मतलब राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी, तो बढ़ा सकेगी एक हो गया, एक घटा सकेगी ग के तहत, ठीक है। द के तहत देखिए सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में क्या परिवर्तन कर सकेगी, कौन कर सकेगी, कौन कर सकेगी, मतलब संसद कर सकेगी, या तो किसी क्षेत्र के राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी ख के तहत, ग के तहत आपका घटा सकेगी, या फिर सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन करके, मतलब उसमें किसी चीज को बढ़ाएगी किसी को घटाएगी, तो उसमें सीमाओं को परिवर्तन हो जाएगा, उसमें नाम कुछ भी हो सकता है, अंगा के तहत आप, ड के तहत आपका नाम में परिवर्तन,
नाम में क्या परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इनका जो अधिकार देता है कि क्या देता है, इसमें देखिए, इसमें नाम में क्या कर सकते हैं आपका परिवर्तन, इसमें देखिए, इसमें नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है संसद, इसको याद रखिए। तो ये हो गया, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 4 में आते हैं। अनुच्छेद 4 में इसमें दिया गया है, तो जो नया राज्य को प्रवेश करती है, जो भी प्रक्रिया, जो भी इन दोनों के तहत, दो और तीन के तहत, इसमें जो तीन के तहत जो भी प्रावधान होंगे वो सब इसमें इसमें मतलब कानून के रूप में मतलब शामिल होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। 4 के तहत मतलब जो भी इसमें नियम कानून होंगे, इसमें सब 4 में, इसमें 4 के उसमें जो भी प्रावधान किए जाएंगे और इसमें मंजूर हो जाएंगे 4 के तहत। 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे वो कैसे होंगे, एक साधारण बहुमत के होंगे, साधारण होंगे, साधारण बहुमत के आधार पर कहलाएंगे। उसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मतलब अगर सुधार किए हैं लोग तो सुधार संशोधन नहीं किए, ऐसे नहीं बोलेंगे, संशोधन किया ऐसा नहीं होगा। जो 368 के तहत संशोधन होता है ना, उस तरीके से नहीं कहलाएगा। तो साधारण बहुमत के तहत उसमें बदलाव हुआ, ऐसे बोलेंगे। कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है संसद द्वारा, तो उसको अलग किया गया है। मतलब किसको अलग किया है, जो साधारण बहुमत का, संविधान, सॉरी, जो संशोधन को और उससे दूर रखा गया है, संशोधन नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी राज्य क्षेत्र का नया निर्माण कर रही है या कुछ भी कर रही है तो संशोधन में नहीं आएगा। आप जब संविधान में सुधार करेंगे ना, संविधान में बदलाव करेंगे, तब आपका उसमें क्या है कि संशोधन में आएगा। और किसी राज्य या निर्माण में नया राज्य को गठन करो, परिवर्तन करो, उसमें वो संशोधन सुधार नहीं होगा। संविधान में अगर सुधार करेंगे तो उसमें संशोधन कहलाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। ये हो गया था आपका भाग एक, हो गया आपका भाग एक, बता दिया इसमें, सभी देख लीजिए, बता दें हमें अच्छे से क्या है, क्या है इसमें, क्या क्या शामिल है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं है इसमें। फिर इसके बाद जो आता है, इसका जो भाग भाग दो है ना, भाग एक हो गया, 22 भाग है, उसमें से दो दूसरे भाग में आएंगे। तो भाग दो में दिया गया हमारा 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद ना, ये अनुच्छेद है, 5 से लेकर 11 तक जो भी अनुच्छेद दिया है इसमें सम्मिलित है। अब इसको बोला का जाता है भाग दो को नागरिकता, इसका नाम क्या है, नागरिकता नाम है इसका। चलिए नागरिकता इसमें जो बता रहा था इसमें है ना, 5 से 11 अनुच्छेद इसमें है, इसमें है, देखिए 5 इसमें दिया गया है, इसमें बता रहे। तो इसमें जैसे कि नागरिकता में जो 5 में, देखिए 5 में क्या दिया गया है, 5 से अनुच्छेद 5 में देखिए, 5 में क्या दिया गया, तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है, आप इसमें नागरिकता में ये है कि आप है क्या चीज नागरिकता, नागरिकता भाग दो में संविधान में उल्लिखित है। तो ये किसी भी व्यक्ति को भारत में जो रह रहा है ना, उसको नागरिकता मतलब जो हम लोग का भारतीय जैसे मिली है पहले से जन्म से, वो तो मिलती कैसे उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें दिया क्या है अनुच्छेद 5 से 11 में इसको बता देता हूँ, फिर उसको मैं बताऊंगा। जैसे अनुच्छेद 5 में इसमें दिया गया है, इसमें जैसे अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय अगर कोई व्यक्ति यहाँ मतलब उपस्थित था, कहाँ, भारत में, उस समय अगर कोई जन्म लिया है तो, या फिर उसके बाद में जो भी जन्म लिया है, तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता। तो इसमें पहला है लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय क्या आपका इसका आएगा, नागरिकता है।
ठीक है, संविधान लागू होने के समय की क्या आएंगी इसमें, नागरिकता है। तो उस टाइम में संविधान जब बन रहा था 26 जनवरी 1950 के टाइमिंग में, जो भी जो स्वतंत्रता के बाद आपका 1947 के बाद भी जब इसमें सम्मिलित हुए, तो उस टाइमिंग जो भी नागरिकता जो लेना चाह रहा था या जन्म लिया है, तो उसके संबंधित विचार किसमें किया जाएगा, 5 के तहत। ठीक है, उसके संबंधित विचार जब संविधान लागू हो तो उस समय कोई देना चाहेगा, मतलब उस टाइमिंग का कोई पैदा हुआ हो, किसी उसके माता पिता फिर उसके बेटे ले रहे हैं, तो उस संबंध में नागरिकता के संबंधित 5 में आएंगे। अब जैसे इसमें अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश, पाकिस्तान से कैसे, पाकिस्तान से भारत में अगर कोई आ रहा है तो उसके संबंध में, उस टाइमिंग का था, उसके संबंध में नागरिकता, तो उसको नागरिकता कैसे दी जानी है इसमें सब उल्लेखित है, इसके अंतर्गत आएगा। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उसके संबंध में नागरिकता इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 7 में दिया है, और कुछ नहीं इसमें, बस इसमें इतने यहाँ दिखे। अब एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है भारत, भारत में रह रहा है, और पाकिस्तान में उसी टाइमिंग का था जब ये, जब वो आज़ादी लड़ रहे थे, लड़ाई लुड़ाई हो रहा था उस टाइमिंग का ही, तो ये भारत से पाकिस्तान गए है ना, और पाकिस्तान से फिर भारत गए, भारत में आ गए। अब उसको नहीं, भारत में रह रहा है, अब वो उसको लगा कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अब पाकिस्तान चल गया, और फिर पाकिस्तान में रह रहा है, और फिर वापस आ गया, कहाँ आ गया, भारत में आ गया, पाकिस्तान से जाके फिर वापस आ गया, पाकिस्तान में गया, वहाँ भी उसको मज़ा नहीं आ रहा है, और फिर इससे बेटर तो भारत था, से बोलिए तो भारत में, तो उस वाले व्यक्ति को, व्यक्ति से संबंधित उसको नागरिकता कैसे मिलनी है, तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिल दिया जाना है, इस संबंध में आपका प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिया गया। समझ गया है, ठीक है, चलिए अनुच्छेद 8 में देखते हैं। अनुच्छेद 8 में है, तो अनुच्छेद 8 में जो भारत के बाहर में रह रहे हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल के, जो भारत के मूल के, जो भारत के मूल के उसके माता पिता भारतीय हैं थे है ना, और उसके बेटा वहाँ बाहर में विदेश में काम कर रहे हैं, तो उसके संबंध में नागरिकता, जैसे कि भारतीय मूल हो, भारतीय मूल का, हमारे जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, उसके संबंध में नागरिकता, उसके संबंध में क्या, इसमें क्या दिया है, नागरिकता, वही मैं बताया हूँ, उसके माता पिता मान लो भारतीय रहे उसमें, उसका बेटा बाहर में विदेश में रह रहा, अब उसके माता पिता तो नहीं रहे, अब उसके बेटा अब वहाँ काम कर रहा है, अब उसको सब काम, अब वो नागरिकता यहाँ का लेना चाह रहा है, कहाँ का, हमारे भारत का, तो उसके संबंध में जो नागरिकता अगर दिया जाएगा तो इसी के तहत अनुच्छेद 8 के तहत दिया जाएगा उसको, उसके संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में देखिए, अनुच्छेद 9 में क्या कहता है। अब जैसे मान लो जो हमारे भारत में कोई व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति मान लो स्वेच्छा से अपना जो दूसरे राज्य को गठन करे, मतलब दूसरे, इसमें याद रखिए विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेना, मतलब विदेशी नागरिकता ग्रहण व्यक्ति की नागरिकता समाप्त, की नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में, अब इसमें क्या है, जैसे कि आप भारत के व्यक्ति हो, अब विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है कोई, तो ऑटोमेटिक उसका जो है क्या है, क्या है उसका जो नागरिकता, वो समाप्त हो जाएगी, ये है बस, और कुछ नहीं इसमें, उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब इनका जो ये सब, ये पालन जो जो करेंगे, जो नियम कानून इसके तहत जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना है, नहीं बना, नहीं जा रहा हूँ, बता देता हूँ, एक नागरिकता अधिनियम अलग से बना है, 1955 में बना था अधिनियम, एक्ट बना है, तो उसके तहत ही हम लोग को जो भारत के जो नागरिकता, उन लोग को क्या दिया जाता है,
जो कहाँ के व्यक्ति हैं, कहाँ है, सब पूर्ण निरीक्षण करेंगे। विदेशी नागरिक है कि क्या है, उनके त्याग समर्पण, उनके जो योग्यताएं हैं, सब उसमें देखा जाता है। तो उसके तहत निरंतरता, नागरिकता, नागरिकता की निरंतरता। अब जैसे कि वर्तमान में निरंतरता जो नागरिकता का क्या है, इसमें अब देखेंगे। जैसे कि नागरिकता की क्या है, अनुच्छेद 10 नागरिक, नागरिक तो है हम लोग, है ना। तो हम लोग का जो निरंतर बना हुआ है, तो 10 के तहत बना हुआ है। हम लोग भारत का ऑलरेडी पहले से यही है ना। तो कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं हम लोग, भारत में, तो भारत ही के निवासी हैं। दूसरे जगह लिया था, दूसरे जगह कर। और कोई बाहरी आदमी, जैसे मान लो जो हम लोग के यहाँ कंट्री में रह रहा था, जो कि जितने भी साल 5-10 साल, और यहीं का नागरिकता ले रह रहा है, मतलब ये ले लिया है, तो उनके जो निरंतरता बने रहेंगे वो 10 के तहत इसमें रहेंगे। अब अनुच्छेद 10 देखते हैं, 10 में क्या दिया है। अब 10 में, एक सॉरी 11 में क्या है, तो संसद को अधिकार देता है। 11 संसद को अधिकार है, अधिकार क्या देता है, नियम बनाने की शक्ति। संसद को क्या अधिकार देता है, नियम बनाने की शक्ति देता है। कौन देता है आपका, ये अनुच्छेद 11 देता है। कैसे देता है आपका, अब इसको बताता हूँ मैं। तो संसद आपको नागरिकता के संबंध में, क्या बन, क्या हो सकता है, क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। कुछ भी उनको लगेगा कि ये ऐसा ऐसा जरूरत है, कोई कानून बनाकर उनको विशेष अधिकार दे सकती है नागरिकों को। या जो PIO, जो आपका जो पासपोर्ट मिलता है, वीजा वीजा मिलता है जहाँ रहोगे, है ना, उससे संबंधित अधिकारों को क्या कर सकती है, बदल सकती है या सुधार कर सकती है, के तहत आपका नागरिकता इसमें प्रदान कर सकता है। अब नागरिकता इसमें देखिए मिलती कैसे है, ये बता रहा हूँ इसमें। ये तो हो गया, मैं ये जो बताया हूँ इसमें देख लीजिए, ये है इसका अनुच्छेद है। अब नागरिकता ग्रहण कैसे होता है, इसका बता देता हूँ मैं। नागरिकता कैसे ग्रहण किए जाएंगे, इसका मैं बताता हूँ इसमें कैसे। हम किसी मतलब व्यक्ति को नागरिक, या मिल सकता है, या बाहरी विदेशों के लिए मतलब हमारे यहाँ का नागरिकता ग्रहण करता है। तो नागरिकता से संबंधित जो आपका अधिनियम बना है 1955, नागरिकता एक्ट, ये क्या है, 1955 जो एक्ट बना है नागरिकता, ये देखिए ठीक है। तो अधिनियम जो बना है उसमें क्या लिया गया है, तो उसमें लिखा गया है जैसे कि आप, एक तो पहला तो इसमें देखते हैं कि कोई, कहीं आप जन्म ले रहे हो किसी जगह में आप, है ना, कहीं पर जन्म ले रहे हो, तो जन्म को देखेंगे। पहला तो जन्म के आधार पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपका, चलिए मैं इसमें बताता हूँ। मैं इसमें पहले शब्द को लिख देता हूँ फिर बताता हूँ इसमें। एक तो जन्म से हो गया, दूसरा आपका, चलिए यहाँ पास लिखता हूँ इसको, काटिए, पंजीक जन्म से हो गया आपका, एक वंश से, आप ले सकते हो, पंजीकरण से, एक तो क्या है पंजीकरण द्वारा आप ले सकते हो, एक प्राकृतिक रूप से, इसके रूप से प्राकृतिक रूप से, एक आपका प्राकृतिक रूप से, एक क्षेत्र, जैसे कोई क्षेत्र अधिग्रहण, अधिग्रहित करते हो, क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। तो इसमें देखिए इनके अंतर्गत में क्या, तो कैसे आप नागरिकता ग्रहण करते हैं इसको बताता हूँ मैं। तो जन्म से देखिए नागरिकता, जन्म से क्या है आपका, तो जन्म से हम लोग नागरिकता जो ग्रहण करते हैं, कोई व्यक्ति, हम लोग जैसे अभी वर्तमान में जन्म लेते हैं, देखिए हम लोग कोई भी व्यक्ति पैदा लेकर ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाता है। उसी प्रकार आप जैसे 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने के समय, या
उसके बाद है आप पैदा लेते हो, है ना। आप जो संविधान लागू होता है उसके बाद, पहले उसके समय या उसके बाद अगर पैदा लेते हो तो भारतीय होगा। क्या होगा? भारतीय नागरिक में वो मतलब उसको मतलब दिया जाएगा, क्या अधिकार दिया जाएगा कि मतलब ये भारत का नागरिक है। या उस टाइम में भारत के 1950 के संविधान के लागू होने के मतलब उसी टाइमिंग में इसके माता पिता कोई भारतीय थे, मतलब माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, उस हिसाब से उसमें तो जन्मा है व्यक्ति कोई भी, उसके पुत्र या पुत्री होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होंगे? भारत के नागरिक हुए, या दोनों भी हो सकते हैं तो भी वो मतलब भारत के नागरिक हो। अवैध उवैध प्रवासी उवासी होंगे वो सब शामिल नहीं होंगे ना, प्रवासी शामिल नहीं होंगे इसमें, जो भारत के नागरिक हैं वही शामिल होंगे। या 1 जुलाई से आप जैसे 1947 आप देखे होंगे, जो हम लोग अगस्त में तो आज़ाद हुए, अगर पूर्व जन्म हो पहले 1947 के पहले, तो उसके माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता अगर क्या रहेगी, क्या भारतीय है कि क्या है, कि उसके बावजूद ही भारत का नागरिक होगा, मतलब उसके माता पिता को देखा जाएगा 1 जुलाई को या उसके बाद अगर जन्मे हो, है ना, 1947 के पूर्व जन्मा हो या फिर, तो उसके माता पिता को देखा जाएगा। इसमें लिख देता हूँ, या तो 26 जनवरी 1950 में जन्म लिए हो, जन्म या बाद में मतलब, या 1950 में जन्म लिए हो या बाद में लिए हो, और एक होता है 1947 के पूर्व 1 जुलाई, 1 जुलाई 1947 के अगर पूर्व लिए हो तो उसके माता पिता को देखेंगे। माता पिता कहाँ जन्म लिया गया है उनके द्वारा आपका शामिल होंगे। अभी 26 जनवरी 1950, मैं राइटिंग में मत जाना भाई, मैं जल्दबाजी में इसलिए लिख रहा हूँ, इससे अच्छा राइटिंग मेरा, मैं जल्दबाजी में मैं सब बना रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ पढ़ाना पड़ता है। अब इतना तो दिख रहा है, इतना समझ से बोल भी रहा हूँ, आप लोग उसमें समझ जाएंगे क्या लिखा है उसमें। राइटिंग के जाम चक्कर मत जाइए, मैं बहुत सारी चीज़ है, मैं उसको हर चीज़ को मैं लिख नहीं सकता हूँ, और राइटिंग को देखूंगा बहुत समय लगेगा क्योंकि मेरे कम समय में आउटपुट इसमें देना पड़ता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि एक एक घंटा आधा घंटा में ये कंप्लीट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 जन्म, और बाद में अगर जन्म लेता है वो तो व्यक्ति भारत का नागरिक हुआ, वो जन्म से मतलब इसके 1950 के बाद लेता है तो भारत का नागरिक हुआ। अगर इसके 1 जुलाई 1947 के पहले माता पिता उसके को देखेगा, अगर इसके पहले जन्म हुआ ना तो उसके माता पिता देखेंगे वो कहाँ जन्म लिया, अगर उसके माता पिता यहाँ के थे तब वो उसका जो है भारतीय नागरिक अधिकार है उसको होगा, मतलब भारत का नागरिक होगा उसको दिया जाएगा। अब एक होता है वंश से कैसे होगा, तो वंश के इसमें देखेंगे, इसमें भी 1950 जो आपका 26 जनवरी 1950 या फिर 1992 10 दिसंबर 1992 के पहले समय या फिर इसमें बाद है, बाद कोई व्यक्ति अभी जन्म लेता है, मतलब 1926 या 1950 के बाद या 1992 के पहले, तब क्या होगा इसमें का, अब अधिकार कैसे देगा इसमें? वंश के आधार पर वो भारत का नागरिक होगा, मतलब इसके पहले पूर्व भारत का पैदा हुआ, मतलब या भारत के बाहर पैदा हो कोई व्यक्ति तो भारत में जन्मा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत के बाहर 1992 से पूर्व भारत के अगर बाहर अगर पैदा हुआ हो तो उसको वंश के आधार पर क्या दिया जाएगा, उसको नागरिकता दी जाएगी, वंश के आधार पर क्या दिया जाएगा, नागरिकता उसको मिल जाएगा, ये बोलने का मतलब है। उसी प्रकार पंजीकरण द्वारा, अगर मान लो इसमें नागरिकता में 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हूँ, एक तो आवेदन कर दिया है, अभी आवेदन किया है ना, आवेदन आप दिए हो और उसके पहले आप 7 वर्ष लगभग भारत में मतलब रह रहे थे, तो रह रहे थे तब आप क्या कर सकते हैं, या अभी कुछ संशोधन भी हो चुका है इसमें, 2015-15 में संशोधन हुआ है, सुधार उधार करके इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं इसमें, तो अभी का मार्गदर्शन आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा पहले का है। तो पंजीकरण द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो आवेदन करके, कैसे करके, आवेदन करके
आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। 7 वर्ष पूर्व उसका क्या होना चाहिए, मतलब निवासी होना चाहिए आवेदन के पहले, तब वो नागरिकता बाहर का मतलब बाहर का व्यक्ति यहाँ आके मतलब अपना नागरिकता ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार प्राकृतिक नेचुरल रूप से आप देखेंगे इसमें, तो जो इसमें जो भारतीय जो अच्छा व्यक्ति है, जैसे 12 माह तक, लगभग 12 माह तो होना चाहिए, 11 माह तो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, 12 माह या उससे ज़्यादा अगर रहा हो, मैं रहता हो मतलब भारत में निवासी हो, पूर्व में भारत में रह रहा हो, या 14 वर्ष पूर्व से वह रह रहा है, तो उसको मतलब अच्छा चरित्र है, अच्छा नागरिक है, तो उसको प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा सकता, उसको भारत का नागरिक उसको दिया जा सकता है। ये है 12 माह के तक पहले या उससे 14 वर्ष से ज़्यादा, या 14 वर्ष तक मतलब रहा हो भारत में, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। क्षेत्र अधिग्रहण, इसमें क्या है, क्षेत्र अधिग्रहण, आप भारत के बाहर रह रहे हो, सॉरी हाँ भारत के अब बाहर रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, अब बाहर रह रहे हो तो कैसे नागरिकता मिलेगी। आप जैसे भारत को क्षेत्र को, जैसे गोवा को बाद में ऐड किया है ना, तो गोवा को ऐड किया है ना, उस क्षेत्र में जितने निवासी थे वो ऑटोमेटिक इसके भारतीय हो गए, नागरिक हो गए। ये मतलब कुछ क्षेत्र को कोई भारत जो विजिट करता है, जीतता है ना, तो वहाँ ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के नागरिक जो है आपका कहाँ आ जाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। और त्याग उग देखेंगे, त्याग में आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते खुद आप, है ना, और बर्खास्त भी किया जा सकता है। आप जैसे कोई गलत सूचना दिए हो तो आप बर्खास्त भी हो सकते हो, आप वंचित भी कर सकते हो इसमें, जो भारत के जो नागरिकों को, जो जो मतलब इसमें अधिकार में क्राइटेरिया में आप नहीं आते हो ना, तो आपको वंचित कर भी किया जा सकता है। एक परमानेंट जो दिया जाता है, एक जो OIC कार्ड, जो पासपोर्ट उसको बनता है, वीजा वीजा PIO, एक OIC कुछ है, तो यार ये दोनों को मर्ज कर दिया है अभी तो मेरे ख्याल से, है ना। तो इनमें अधिकार दिया था कि मतलब कुछ इनको छूट दिया जाता है कि आवागमन में जो व्यक्ति को, उनको अपना कार्ड होल्डर मतलब रहने के लिए मतलब कार्ड दिया जाता है, ताकि वो यहाँ आवागमन कर सके, प्रवासी तो लोग को दिया जाता है। कई लोग को दोहरी नागरिकता भी दी जाती है जो अच्छे संबंध रहे हैं, और इसमें शत्रु देश को शामिल नहीं किया जाए, है ना, पाकिस्तान के और दूसरे जो हम लोग के दुश्मन टाइप के हैं उसमें, उन लोग को भाई नागरिकता हम लोग के यहाँ नहीं दिया जाएगा, समझ गए। तो ये था आपका नागरिकता संबंधित प्रावधान, और वीडियो देखने लगा आप सभी का धन्यवाद।